दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू टिक्की चाट। आलू टिक्की चाट तो आप सबने खाई है और आलू की बनती है, लेकिन आज हम आलू की जो टिक्की होती है ना, वो टिक्की हम आलू से नहीं बनाएंगे, है ना ट्विस्ट? आज हम टिक्की आलू से नहीं बल्कि ये सूजी से बनाएंगे, ठीक है? और कैसे बनाएंगे वो आप देखें। जैसे मैंने ये 1 कप सूजी ली थी और जो आधा कप दही के साथ मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रख दी थी, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ठीक है? ये 1 कप सूजी है। और ये देखिए, हमें चाट के लिए क्या क्या सामान चाहिए, जो नॉर्मल सभी चाट में डलते हैं वही सामान चाहिए। ये मीठी चटनी, ये हरी चटनी, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटा प्याज, फेंटा हुआ दही और ये बारीक वाली सेब। चलिए बनाते हैं आलू टिक्की चाट, वो भी बिना आलू की। अब हम सूजी में नमक डालेंगे, थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल दीजिए, आधी छोटी चम्मच। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमने कढ़ाई में छोटी एक चम्मच ऑयल डाला है। अब इस ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, अब हम अपनी सूजी में ये मीठा सोडा डालेंगे 1/4 चम्मच छोटी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपना 1 चम्मच सूजी का घोल लेके हम इसमें डाल देंगे और इसको धीमी धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी पर ढक देंगे। धीमी आंच पर इसको ढककर पकने देंगे। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम फूल गई है और कितनी क्रिस्पी हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं और अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह क्रिस्पी कर देंगे। ढक कर वापस रखते थे और इसको सिकने देते हैं। चेक कर लेते हैं कि दूसरी साइड से सिकी है कि नहीं। ये देखिए, कितनी क्रिस्पी हो गई है ना। इसी तरह से हम सारे टिक्कियां ऐसे बनाएंगे। वापस देखिए, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा राई। हर बार जब हम डालेंगे टिक्की का घोल तो ऑयल डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे। बस अब इसको ढक के, अब इसको ढककर पकने दें बिल्कुल धीमी आंच पर। टिक्की तैयार करेंगे। ये देखिए, प्लेट में हमने टिक्की रख ली है, ठीक है? ये टिक्की अब हम इस पे डालेंगे दही। ये हरी चटनी, ये मीठी चटनी। ये मीठी चटनी बताए मैंने, खजूर और अंजीर की स्पेशल चटनी बनाई है, खजूर और अंजीर की। इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है। ये चटनी आपको बहुत पौष्टिक रहेगी, गर्मी सर्दियों में आप इसको बनाइए, बहुत फायदा करेगी। अब ये थोड़ा सा बारीक कटा प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा टमाटर, ये हमने प्याज टमाटर दही मीठी चटनी हरी चटनी सब डाल दिया। अब हम इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर,
अब ये बारीक वाली सेव, वापस हम थोड़ा सा टमाटर रख देते हैं। ये देखिए हमारी चाट तैयार है, आप बनाइए और मज़े लीजिए, और मुझे कमेंट और करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।